वर्ल्ड डेयरी समिट में आज के एनिमल डिसीज मैनेजमेंट वन हेल्थ अप्रोच पर सेशन में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं स्वागत करता हूँ। वन हेल्थ इंडिया के लिए बहुत नया विषय नहीं है, लेकिन दुनिया के लिए एक न्यू डिबेट का विषय के रूप में पिछले 15-20 साल से आए हैं। हमारे यहाँ सह अस्तित्व की सिस्टम ही जीवन शैली की ऐसी थी कि परस्पर एनिमल्स ह्यूमेंस एंड एनवायरमेंट ये तीनों सिस्टमेटिकली एक के एक और दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। बेसिकली वी आर ऑल्सो वन टाइप ऑफ एनिमल, हम भी एक एनिमल तो है ही, और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपको कोई भी ग्रीनरी ग्रीन जंगल फॉरेस्ट सभी को अच्छा लगेगा। फॉरेस्ट वाई यू आर अट्रैक्ट टू फॉरेस्ट, रीजन इज इट दैट यू बिलोंग फ्रॉम फॉरेस्ट, आप फॉरेस्ट से ही आए हैं। सो एनिमल वी आर ऑल्सो वन टाइप ऑफ एनिमल बट थ्री टाइप ऑफ एनिमल्स, वन इज फॉरेस्ट एनिमल, एक फॉरेस्ट एनिमल है, दूसरा डोमेस्टिक एनिमल एंड तीसरा ह्यूमन। ये तीन और उसके साथ एनवायरमेंट जुड़ जाता है, एनवायरमेंट इकोसिस्टम जुड़ जाती है, और उसका अध्ययन करने के लिए एक जो नया शास्त्र के रूप में हमने डेवलप किया है उसको वन हेल्थ अप्रोच के रूप में हम लोग डिबेट करते हैं। और ये स्वाभाविक है, एनिमल से कोई डिसीज ह्यूमन में आना, ह्यूमन में से कोई डिसीज एनिमल में जाना, कोविड क्राइसिस में हमने देखा और स्वीडन के एक स्टडी दिखाई दे रही थी कि वहाँ के एक मॉन्स ऐसा कोई एनिमल था तो उसमें उसको वो डोमेस्टिक पालतू था, किसी ने उसको पेट के रूप में रखा था तो उसको भी कोविड का सिम्टम दिखाई दिया और स्टडी में निकला कि उसको भी कोविड है, तो ह्यूमन से ट्रांसफर होके एनिमल में गया। एनिमल के डिसीज ट्रांसफर होके ह्यूमन में आते हैं। माई सेल्फ इज वेटनरियन ऑल्सो, तो मैं जब प्रैक्टिस करता था उस वक्त मुझे भी, मैं डिस्टोकिया का केस कवर कर रहा था तो मुझे भी एक बार ब्रुसेलोसिस हो गया था। तो एनिमल डिसीज है वो ट्रांसफर टू ह्यूमन, एनिमल डिसीज ह्यूमन में ट्रांसफर होते हैं। ऐसे नंबर ऑफ डिसीज है जो एनिमल से रेबीज एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होते हैं, एंथ्रैक्स एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होते हैं। ये सब डिसीज कोई ह्यूमन से एनिमल्स में, एनिमल से ह्यूमन्स में डिसीज ट्रांसफर होना स्वाभाविक है, लेकिन उसका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होना ये भी आवश्यक है क्योंकि उसकी बहुत बड़ी इफेक्ट होती है। ह्यूमन लाइफ पर भी उसकी इफेक्ट होती है, एनिमल के पर भी उसकी इफेक्ट होती है, डेयरी साइंस पर उसकी सबसे एनिमल हेल्थ पर उसकी ज्यादा इफेक्ट होती है क्योंकि हम उसको कॉमर्शियल के रूप में एनिमल्स हम क्यों रखते हैं, एनिमल्स हम इसलिए रखते हैं वो मिल्क देता है, डंग्स देता है, उसका यूज हम एग्रीकल्चर में करते हैं, मिल्क का यूज हम हमारे फूड में करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो कॉमर्शियल वायबल नहीं होगा तो हम उसको रखेंगे नहीं। उसको कॉमर्शियल वायबल रहे इसलिए उसको डिसीज ना हो, डिसीज कंट्रोल हो, डिसीज का स्टडी वो बहुत आवश्यक होता है, और ये डिसीज को कंट्रोल करने के लिए, डिसीज को समझने के लिए सर्वेलेंस आवश्यक होता है, स्टडी आवश्यक होती है, और ट्रांसफर होके जब एनिमल में आप एनिमल से ट्रांसफर होके ह्यूमन में आ जाता है, एनिमल्स टू एनिमल्स, एनिमल्स टू ह्यूमन, उसकी एक इफेक्ट एनवायरमेंट पर भी होती है, एक इकोसिस्टम पर उसकी इफेक्ट होती है, उसका डिटेल स्टडी हो ये बहुत आवश्यक होता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा स्लोगन दिया, वन अर्थ वन हेल्थ। सारी दुनिया में
एक टाइप की स्टडी कैसे हो, एक टाइप का अप्रोच से हम वन हेल्थ को कैसे देखें। हमारा एनिमल सेक्टर में, ह्यूमन एनिमल सभी में जब कोई डिसीज होता है तो उसका सर्वेलेंस होना बहुत आवश्यक है। उसका सर्वेलेंस हो, सर्वेलेंस तब कर पाएंगे जब आपके पास इंफॉर्मेशन हो। इंफॉर्मेशन टू सर्वेलेंस, सर्वेलेंस टू डेटा, सर्वेलेंस से डेटा कलेक्ट होगा। आपके पास डेटा हो और डेटा को मेटा डेटा में कन्वर्ट करना हो और मेटा डेटा को कन्वर्ट करके इंटीग्रेट करना हो, ये तीन चार सी चीजें एक साथ में होना बहुत आवश्यक है। और हम कैसे करें, जो हम नहीं कर पाएंगे तो वन हेल्थ नहीं हो पाएगा। वन हेल्थ अप्रोच से हमें काम करना है तो एक सेक्टर में काम करना बहुत आवश्यक है। और इसलिए भारत सरकार ने डीबीटी के माध्यम से एक हेल्थ कंसोर्टियम बनाया हुआ है। हेल्थ कंसोर्टियम के माध्यम से ह्यूमन इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी हुई है, एनिमल क्लिनिक और हॉस्पिटल उसके साथ जुड़ी हुई है। उसका एक कंसोर्टियम के माध्यम से समय समय पर उसका डेटा, डिसीज का डेटा कलेक्ट करना, डेटा को सिनर्जाइज करना, ये काम आज के दिन में ऑलरेडी चालू हो चुका है। आईसीएमआर के माध्यम से हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ का भी प्रारंभ कर दिया है ताकि आईसीएमआर उसके पर काम चालू करे। देश के कई पार्ट में भी आज वन हेल्थ अप्रोच के साथ यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के सिलेबस के रूप में भी इम्प्लीमेंटेशन होना चालू हुआ है। केरला में केरला वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के रूप में वन हेल्थ को लिया गया है। लुधियाना यूनिवर्सिटी ने भी वन हेल्थ पर काम करना चालू कर दिया है ताकि वन हेल्थ अप्रोच के साथ हम लॉन्ग टाइम काम करके एक ऐसा डेटाबेस क्रिएट करें। ये डेटाबेस बेज केवल एक स्टडी के रूप में आपके सामने एक वन टाइम आएंगे, लेकिन ये डेटाबेस आपको भविष्य में कई डिसीज को एलिमिनेशन करने के लिए भी उसका उपयोग है। और इसलिए अरे ये सब काम करने के लिए केवल एक कंट्री करे वो भी आवश्यक नहीं है। केवल एक कंट्री ने, एक यूनिवर्सिटी ने कर लिया, जी नहीं, क्योंकि समय बदल गया है। अभी ट्रांसपोर्टेशन, पहले तो कभी किसी को दूसरी कंट्री में जाने के लिए भी समय लगता था। ह्यूमन को भी, व्यक्ति को भी एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए शिप में जाना पड़ता था। बॉर्डरिंग कंट्री हो तो भी जाने के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था। आज ग्लोबलाइजेशन के समय में हमारा ट्रांसपोर्टेशन ग्लोबली होता है, नहीं केवल हमारा लेकिन एनिमल का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, एनिमल का माइग्रेशन भी होता है, वाइल्ड लाइफ का माइग्रेशन भी होता है। ऐसी स्थिति में माइग्रेशन, आप मसाई मारा के फॉरेस्ट में जाओ अफ्रीका में, तो ये एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट केन्या में, केन्या को भी जोड़ता है, युगांडा को भी जोड़ता है, रवांडा को भी जोड़ता है, नंबर ऑफ कंट्री को जोड़ता है। और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एनिमल्स का माइग्रेशन होता रहता है। ये एनिमल्स में किस टाइप के डिसीज है, एक जगह से दूसरी जगह पे गए तो डिसीज भी माइग्रेट हुआ एनिमल के साथ। ये एनिमल को देखने के लिए ह्यूमन गए, लोग गए, तो हम भी उसके टच में आए, उसके संपर्क में आए। हम प्रत्यक्ष नहीं, सिंगल अप्रोच के साथ वर्ल्ड वाइड उसके पर एक डिटेल्ड डेटाबेस और स्टडी हो, ये बहुत आवश्यक है। इस टाइप के सेमिनार हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यहां मैंने देखा ऑल आर फॉरेन डेलीगेट्स, सब लोग यहां एक मंच से डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे। डिबेट डिस्कशन का आउटपुट हमें जो मिलेगा वो आने वाले दिनों में वन हेल्थ अप्रोच को आगे बढ़ाएगा। इस दृष्टि से मैं ये प्रस्तावना के साथ इस सेशन को ओपन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसमें बहुत सकारात्मक, हकारात्मक डिबेट डिस्कशन होगी।
जो इंडिया के लिए और दुनिया के लिए उसमें से निकले हुए निष्कर्ष वो सभी को उपयोगी होगा। मैं यहाँ जो कोऑर्डिनेटर है उसको रिक्वेस्ट करूँगा कि उस सेशन के बाद और ये सारा सेमिनार खत्म होने के बाद वो डिटेल उसका रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसमें वन हेल्थ अप्रोच के पर जो रिपोर्ट बने वो हमें भी शेयर करिए, हम भी उसका स्टडी करके और आगे कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमारे लिए भी गाइडेंस मिलेंगे, मार्गदर्शन मिलेंगे। आप सब रुचि लेके इस सेशन में जुड़े हैं, आप सबको भी मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। Thank you to our Honorable Minister. A big round of applause once again for our Minister. We have a special guest with us, Dr. Bright, the Minister of State for Agriculture, Animal and Fishery from